नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मच्छी मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। तेघरा के नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से ही उमड़ने लगी। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान करके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुख शांति के साथ ही देश की तरक्की व सुख शांति की मंगल कामना की। बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर तेघरा के विभिन्न गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा के पवित्र जल में श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई। सुबह से ही इलाके के तमाम घाटों पर लोगों का तांता लगा रहा। हर तरफ गंगा घाटों पर आस्था की रौनक देखी गई। कोरोना महामारी के बीते 2 साल बाद इतनी बड़ी भीड़ देखी गई। लोगों ने गंगा स्नान करके भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। इस मौके पर तेघरा प्रखंड सहित भगवानपुर, बछवाड़ा, मंसूचक के अलावे समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल सीमा तक के श्रद्धालुओं का आगमन देखा गया। अयोध्या मिथिला गंगा धाम पिढौली रात गाँव आधारपुर के चिमनी घाट, बजलपुरा सूर्यनारायण बोल्डर घाट, ब्रौनी घट, किंडी घाट, फुलवरिया इमली घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ देखी गई। सर्वाधिक श्रद्धालुओं की भीड़ से अयोध्या मिथिला गंगा धाम की घाट की शोभा मान्य देखते ही बन रहा था, जहां श्रद्धालुओं ने दर्जनों मिठाई एवं अन्य दुकानों पर जमकर खरीदारी की। वहीं गाजे बाजे की धुन में मुंडन संस्कार सहित कई अन्य संस्कार भी संपादित किए गए। इस बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती और उनके निवारण दिवस दोनों के ही तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस दिन का काफी महत्व है। कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।